एक्शन वीडियो है। ये वीडियो गाड़ी के अंदर, गाड़ी अगर आपके अंदर गाड़ी नहीं चल रही है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें फॉल्ट फाइंडिंग मतलब फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट करेंगे, कंट्रोलर का प्रॉब्लम है, एक्सेलेटर का या थ्रॉटल का प्रॉब्लम है या बैटरी का प्रॉब्लम है या कनेक्टर का प्रॉब्लम है, इससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर गाड़ी आपकी नहीं चल रही है तो पहला काम करेंगे, जितने भी कपलर्स हैं सारे ऐसे देखिए कपलर्स को निकाल करके देखेंगे इसमें रस्ट तो नहीं है, मॉइस्चर तो नहीं है और प्रॉपर फिट है कि नहीं। सारे कपलर्स को ऐसे निकाल करके फिर से हम देख लेंगे। इन पिन्स को भी कभी कभी ये पिन दब जाती हैं बार बार निकालने और लगाने से, ये प्रॉपर है कि नहीं। ये पिन भी कभी मुड़ जाती हैं, ये सीधी हैं कि नहीं है, तो हम ऐसे चेक करके इसको लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद सारे कपलर जैसे ये देखिए ये कपलर है, इसमें भी ये पिन दब जाती हैं कभी कभी और इसमें मेटल पार्ट से टच नहीं होती, जिसकी वजह से इसको पावर नहीं मिलता है, उस वजह से भी गाड़ी नहीं चलती है। कभी कभी इधर से ये जो ग्लू है ये मेल्ट होकर के अंदर आ जाता है और एक इंसुलेशन का लेयर बना देता है, जिसकी वजह से भी गाड़ी नहीं चलती है। तो इन सारे चीज़ों को हर एक कपलर को आपको देखना है कि प्रॉपर कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं है। जब प्रॉपर कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर भी आपकी गाड़ी नहीं चल रही है तो आप पहला काम करेंगे इग्निशन लॉक ऑन करेंगे और देखेंगे यहाँ पे आपका जो है इंडिकेटर जो मीटर है इस पे लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर लाइट आ रही है इसका मतलब है कि बैटरी से आपका कनेक्शन सही है। अगर लाइट नहीं आ रही है तो सबसे पहला काम बैटरी से कनेक्शन को देखेंगे कि बैटरी से प्रॉपर कनेक्शन है या नहीं। जैसे देखिए अभी मैं यहाँ से निकाल दिया तो ये लाइट नहीं आ रही, इग्निशन स्विच ऑन है फिर भी लाइट नहीं आ रही है, मतलब ये हुआ कि बैटरी से कनेक्शन नहीं है सही प्रॉपरली, इसलिए हम इसको हम बैटरी से फिर से देखिए कनेक्ट कर लेंगे। अगर एमसीडी के अंदर में भी प्रॉब्लम होगी कुछ भी तब भी ये लाइट आपको नहीं आएगी, तो सबसे पहला काम करेंगे ये देखेंगे इसको सप्लाई आ रही है कि नहीं है, एक तो लाइट को देखेंगे। दूसरी बात कि जो डीसी सप्लाई आती है कंट्रोलर को उस पर हम डीसी वोल्टेज देखेंगे, जैसा कि हमने मल्टीमीटर से, ये नेगेटिव है ब्लैक वाला वायर, यहाँ पे हमने नेगेटिव रखा और यहाँ पे पॉजिटिव देख लेंगे ऐसे इसको सप्लाई आ रही है कि नहीं। अगर इस तरह का कपलर है तो इधर से हम लगा करके उल्टे तरफ से यहाँ से हमने नेगेटिव लगा दिया और यहाँ पे ये देखिए उल्टे तरफ से हम पॉजिटिव ऐसे चेक कर लेंगे, इधर से देखिए आ गया, फिर इसको चेंज करके इधर से देख लेंगे ये भी आ गया। अगर इधर नहीं आ रहा है तो हम इस कपलर को ऐसे निकालेंगे, निकालने के बाद थोड़े सावधानी से इस कपलर पे सप्लाई आ रही है कि नहीं ये चेक करेंगे। ये देखिए मैंने चेक कर लिया इस पे सप्लाई आ रही है, फिर इधर भी चेक कर लिया इस पे भी सप्लाई है। अगर इस पे सप्लाई नहीं आ रही है इसका मतलब है आपका बैटरी कनेक्शन में लूज है या फिर यहाँ एमसीबी के अंदर में कोई प्रॉब्लम है। अगर इस पे सप्लाई आ रही है और इस साइड से सप्लाई नहीं आ रही है इसका मतलब है ये पिन आपका दब गया है, इस पिन को आपको सही करना है और फिर से ऐसे लगा देना है। इसको लगाने के बाद आपको दो कपलर्स के अंदर और वोल्टेज चेक करने हैं, एक तो ये थ्रोटल वाले कपलर के अंदर, ये रेड और ब्लैक कलर के वायर के अंदर देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, ये 5 वोल्ट या किसी किसी में 12 वोल्ट भी आता है, देखिए 4.9 वोल्ट अप्रोक्स 5 वोल्ट हो गया। उसी तरह से अब देखिए मैं इसको इसमें लगा देता हूँ, लगा दिया, फिर इस हॉल सेंसर वाले कपलर के अंदर देखना है आपको कि सप्लाई आ रही है कि नहीं, रेड और ब्लैक के अंदर, रेड के अंदर ये देखिए मैंने लगा दिया रेड, ब्लैक के अंदर मल्टीमीटर को पीछे से और इस रेड के अंदर मैंने लगा दिया, ये देखिए 4.6 अप्रोक्स 5 वोल्ट ये आ गया। अब इसे हम फिर से ऐसे लगा देते हैं, ये दोनों सप्लाई आ रही है। उसके बाद हम एक्सेलेटर देंगे, अगर गाड़ी चल रही है तो ठीक है और नहीं है, चल रही है तो एक काम और करेंगे, ये थ्रोटल वाले कपलर के अंदर ये ब्लैक वाला, इस ब्लैक के अंदर हम लगा देंगे, ठीक है, इस ब्लैक के अंदर हम लगा दिए, देखिए
ये लग गया। उसके बाद ये ग्रीन कलर का जो वायर आ रहा है, ये देखिए ये ग्रीन कलर के अंदर हम ऐसे लगाएंगे, ये देखिए ये पॉइंट सेवन एट। अब हम थोड़ा स्लोली एक्सीलेटर दबाएंगे, एक्सीलेटर जैसे जैसे दबाएंगे ये वोल्टेज इंक्रीज करेगा। अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा है या इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये फिक्स कोई वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका थ्रोटल खराब है। आपको थ्रोटल पे फिर जा करके आगे थ्रोटल की तरफ इसे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे थ्रोटल का कनेक्शन होता है इधर फ्रंट पे, ये देखिए ये थ्रोटल है इधर फ्रंट पे, ये थ्रोटल का कनेक्शन है, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा ऐसे। ये ब्लैक वाले में ये ब्लैक लगा देंगे मल्टीमीटर का प्रोब, ये देखिए मैंने लगा दिया। इस साइड थ्रोटल वाले ब्लैक को कंसीडर करना है, इस साइड आपका ब्लैक नहीं है, किसी और कलर का भी हो सकता है। और ये ग्रीन वाला देखिए, ये ग्रीन वाले मैंने लगा दिया, यहाँ यहाँ देखिए आ गया आपको पॉइंट एट। अब हम एक्सीलेटर देंगे धीरे धीरे, ये देखिए आपका मतलब 3.6-3.8 तक ये जाएगा, ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका थ्रोटल खराब है, आपको थ्रोटल चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी ब्रेक कट ऑफ का भी प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से गाड़ी नहीं चलती है। तो ब्रेक कट ऑफ का प्रॉब्लम अगर हो तो उसको चेक करने के लिए आपका ये जो ब्रेक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जो तार आ रही है इसको निकाल दीजिए ऐसे। ये देखिए यहाँ से हमने निकाल दिया इसको भी, ये मैंने निकाल दिया आपका ये इस तरफ के ब्रेक कट ऑफ स्विच से यहाँ से, और दूसरा ब्रेक कट ऑफ स्विच ये आ रहा है देखिए, इसको भी मैंने निकाल दिया। अब आप ब्रेक जब ऐसे एक्सीलेटर देंगे तो गाड़ी चलेगी, और ब्रेक दबाएंगे तो ये बंद नहीं होगी, इसका मतलब है आप बंद नहीं हो रही है तो आपका ब्रेक कट ऑफ स्विच के अंदर प्रॉब्लम है। अगर ब्रेक कट ऑफ स्विच के अंदर प्रॉब्लम रहेगी तो दूसरा चीज ये टेल लाइट जलेगा, क्योंकि जैसे अगर आप ब्रेक कट ऑफ स्विच इसको ऐसे आप लगा देते हैं, सपोज किए जाए हमने ये देखिए लगा दिया इसमें, और इसको मैंने लगा दिया इसमें, ठीक है ये देखिए ये आपका गाड़ी चल पड़ा, ये सही चल रहा है। लेकिन अगर ब्रेक कट ऑफ स्विच के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी जैसे देखिए मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ से फ्रंट से, ये देखिए हमने ब्रेक सारे ठीक हैं, कहीं से दबा नहीं हुआ है, लेकिन ये इंटरनल शॉर्ट हो गया। जब इंटरनल ये शॉर्ट हो जाएगा तो आप देखिए मैंने शॉर्ट कर रखा है ट्विजर के थ्रू, आप गाड़ी चलाएंगे तो नहीं चलेगी, देखिए नहीं चल रही है, जबकि गाड़ी सही है, सिर्फ एक कट ऑफ ब्रेक कट ऑफ स्विच का प्रॉब्लम है, देखिए नहीं चलेगी। अगर आपके ब्रेक कट ऑफ स्विच में प्रॉब्लम होगा, जैसे ये देखिए हमने शॉर्ट कर रखा है, तो आपका टेल लाइट जलेगा, देखिए टेल लाइट वहां पे ब्रेक लाइट और टेल लाइट दोनों जलेंगे, देखिए पीछे आपका ये जल रहा है। जैसे हम ये हटाएंगे, जैसे हमने हटाया देखिए ये बंद हो गया, जैसे आप ब्रेक दबाते हैं तो कंट्रोलर को एक इन्फॉर्मेशन जाता है कि मोटर को चलना बंद कर दें, तो हमारी अगर कोई भी स्विच शॉर्ट हो जाए या तार से कहीं से शॉर्ट हो जाएगा तो ये हमारा कंट्रोलर काम करना बंद कर देगा। जैसे कि देखिए अभी गाड़ी चल रही है जैसे हम इधर से शॉर्ट कर रहे हैं तो ये बंद हो जा रही है। इस तरह से आप गाड़ी की फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं कंट्रोलर का। दूसरी, अगर आपकी लाइट नहीं चल रही है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहला काम इस कन्वर्टर पे देखना है कि सप्लाई आ रही है। ये देखिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, इसमें तीन वायर जो थी रेड ब्लैक येलो, रेड 48 वोल्ट पॉजिटिव और ब्लैक 48 वोल्ट निगेटिव, इन दोनों के बीच में देखेंगे इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद कि इस पे सप्लाई आ रही है कि नहीं। ये देखिए इसके सामने मैच करेंगे, इसमें यहाँ पे कंट्रोलर के वायर का कलर अलग है और वायरिंग हार्नेस का कलर अलग है, आपको कन्वर्टर के वायर को देखना है। जैसे ये ब्लैक है तो ब्लैक के सामने यहाँ ग्रीन है, ग्रीन में हमें देखना है, और रेड के सामने यहाँ येलो है, तो इन दोनों को मैच करना है। ये ऐसे देखिए, इसमें ये देखिए इसमें आएगा 48 वोल्ट जितना बैटरी का वोल्टेज आ रहा है,
इसका मतलब ये है कि कन्वर्टर को जो सप्लाई चाहिए वो आ रही है। अब हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसमें ब्लैक वाले कन्वर्टर के ब्लैक को कंसीडर करेंगे। इस ब्लैक में हम मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब लगा देंगे। देखिए ये मैंने लगा दिया, और ये लो जो बीच वाला है इसके बीच में हम देखेंगे कि ये सप्लाई आ रही है कि नहीं। ये देखिए 12 वोल्ट आपकी आ रही है। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट आ रही है इसका मतलब है कन्वर्टर जो है आपका सही है, कहीं दूसरी जगह से स्विच का प्रॉब्लम है। तो आप स्विच का यहाँ से कनेक्शन फ्रंट से चेक कर सकते हैं, जितनी भी हैं वायर्स को निकाल करके फिर से लगाइए। आप इस तरह से करके आप कन्वर्टर के प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं।